शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की नेता सुषमा अंधारे आयोजित सभा के लिए भंडारा गोंदिया दौरे पर है। आज सुषमा अंधारे नागपुर से गोंदिया के लिए रवाना हुई हैं। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से विविध मुद्दों पर संवाद साधा। नागपुर एयरपोर्ट पर सुषमा अंधारी ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि मैं भंडारा गोंदिया दौरे पर हूं। आज गोंदिया में सभा है, कल भंडारा में सभा होगी, जिसके बाद पदाधिकारी की बैठक होगी। साथ ही पत्रकारों द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए अंधोरे बोली कि उत्तर प्रदेश में 5 बार महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? म्हणजे माझ्या भावांना भेटायला तर मी नेहमी उत्सुक असतेच असते, पण सगळ्या माध्यम प्रतिनिधींनाही मी भेटायला उत्सुक आहे। आणि मी म्हटलं की माझे बंधू नरेंद्र बोंडेजी यांनाही भेटायला मी उत्सुक आहे। मी येण्याच्या आधी त्यांनी बरीच मुक्ताफळं उधळलेली कळली मला, आणि हरकत नाही। हे बघा, भाऊ कितीही ओवाळून टाकलेले असले तरी ओवाळणं हे बहिणीचं काम आहे, आणि मी ओवाळायला आलेली आहे। सो आज गोंदियाची सभा आहे, उद्या भंडाऱ्याची सभा आहे, आणि काही संघटनात्मक पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका आहे। इसके साथ ही भाजपा पर कड़ी टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के सीमा प्रश्न पर अंधोरे बोली कि गुजरात चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में ये सभी प्रोजेक्ट गुजरात भेजे गए। अब कर्नाटक चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के सीमा पर बसे गांव कर्नाटक में शामिल करने का षड्यंत्र भाजपा कर रही है, जिसमें शिवसेना भाजपा को कभी कामयाब नहीं होने देगी। या सगळ्या ज्या कंड्या पिकवल्या जातात याच्यामध्ये रत्तीभर ही इंटरेस्ट नाहीये। हा पण एवढं नक्की की जर एकीकडे यूपीमध्ये एखादी महिला 5 वेळा मुख्यमंत्री होत असेल, म्हणजे 5 वेळा महिलांना संधी मिळत असेल, तर महाराष्ट्रात अशी महिलांना संधी मिळायला हरकत नाही। हां, पण ती संधी कुणाला द्यायची, काय असेल? तर मला असं वाटतं मी या परिवारातलं शेंडेफळ आहे। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नाही हुआ है मुझे, तर मी असले काही मनातले मांडे खाणाऱ्यांपैकी अजिबात नाही आहे। मी संघटनात्मक पातळीवर अत्यंत छान काम करायचं आहे, मला बांधणी करायची आहे पक्षाची, आणि मी जहाँ हूँ बहुत बहुत सुखचैन से हूँ। मीडिया से विनती है कि राहू दे, जगू दे 4 दिवस। इस दौरान नागपुर एयरपोर्ट पर शिवसेना पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।